हरियाणा कांग्रेस से पार्टी में गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। 17 जनवरी से हिसार में शुरू होने वाली कुमारी शैलजा की जन संदेश यात्रा को लेकर सोनीपत में कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी पहुंचे। यहां पर शैलजा गुट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुड्डा गुट से विधायक और मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर में से कोई भी शामिल नहीं हुआ था। भले ही कांग्रेस पार्टी अपनी गुटबाजी को लेकर कर देती हो, लेकिन कांग्रेस की हकीकत जो है वो तस्वीरों में बयां हो जाती हैं। सोनीपत में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विधायक शमशेर सिंह गोगी ने कहा, कांग्रेस की जन संदेश यात्रा हिसार से 17 जनवरी से शुरू होगी और पहले सप्ताह सोनीपत पहुंचेगी। यात्रा जींद से होती हुई गोहाना और उसके बाद सोनीपत पहुंचेगी। उन्होंने कहा है कि यह यात्रा 90 अलग अलग विधानसभा में पहुंचेगी। उन्होंने कहा है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, कांग्रेस की तरफ से कार्यक्रम आए हैं और यह राहुल गांधी की न्याय यात्रा के साथ ही यह दोनों यात्रा चलेंगी। कांग्रेस का संदेश घर घर तक पहुंचाने का काम हुआ है। सभी सीनियर नेता अलग अलग तरीके से अपने अपने प्रोग्राम बना रहे हैं। सभी बड़े नेता अपने अपने तरीके से संघर्ष भी कर रहे हैं और सभी राहुल गांधी के चेले हैं। व्यवस्था हुआ जायजा लेने के लिए, अब क्या हालात है, क्या उसकी कोई कमेटी की रिपोर्ट बनी या कुछ उस पर कुछ कार्रवाई हुई? वो तो कमेटी की रिपोर्ट उसी टाइम बन गई थी और अखबार में छप गई थी, बड़े परेशान थे। अब क्या उसके बाद तो कल्पना चावला का दौरा किया, वहाँ पे जो एक इंस्ट्रक्टर था उसको सस्पेंड किया, वो लड़कियों के साथ बदतमीजी करता था, और ऐसे कैथल में अभी दौरा किया, अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा, वहाँ से अल्ट्रासाउंड की मशीन बदल के टुहाने भेज दी कैथल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। तो ऐसी ये तो खबर की बात नहीं है, तो मैं वैसे ही बता दूंगा, कमेटी की बात है ये, खबर में थोड़ी। तो ऐसे ऐसे काम देखो सिस्टम में खराबियां तो यही हैं, और कमेटी को हम जो विजिट कराते हैं ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या ऐसी जगह पे, वो इसीलिए की जाती है कि को कमियों का पता चले। आगे भी कुछ प्लान है सोनीपत को लेकर? नहीं, ऐसे वो कमेटी बदलती रहती है हर साल, अब तो ये बजट आ जाएगा, वो बजट से पहले जो कमेटी है, अगले बार मैं उस कमेटी में होगा नहीं होगा, वो MLA स्पीकर साहब बनाते हैं उसका साहब। एक मीटिंग लिए क्या कार्यक्रम था? हमारी एक यात्रा चल रही है, कांग्रेस जन संदेश यात्रा, 17 तारीख को उसका आगाज जो है हिसार से होगा, और करीब पहले हफ्ते में वो सोनीपत में पहुंचेगी। सोनीपत पार्लियामेंट की एक हमने छोटी सी मीटिंग ली है, जिसके अंदर एक अपना तैयार किया है, अभी ये रूट मैप रहेगा, और जींद से शुरू होके पहले दिन हम नाइट स्टे गोहाना में करेंगे, और अगला दिन फिर पूरे सोनीपत के जितने भी हलके हैं उनको करके गनौर में जाके उसकी समाप्ति करेंगे। तो इस तरीके से ये यात्रा पूरे स्टेट के लिए, 10 पार्लियामेंट भी करनी है और 22 डिस्ट्रिक्ट भी करने हैं और 90 कॉन्स्टिट्यूंसी भी करनी है, सारी की सारी इसके अंदर कवर की जाएंगी। तो वो मीटिंग हमने कर ली है, डेट जैसे ही रफ डेट ये भाई 6 के आसपास है, लेकिन एक आधा दिन आगे पीछे भी हो सकती है, तो जैसे ही सेकंड मीटिंग करेंगे उस दिन फाइनल डेट भी आ जाएगी। फरवरी माह में है यात्रा? है फरवरी के शुरू में, पहले पखवाड़े में ही है। इस यात्रा में कौन कौन शामिल होंगे? इस यात्रा में कांग्रेस के सारे नेता जितने भी हैं सबको बुलाया जाएगा, और बहन कुमारी शैलजा के नेतृत्व में ये यात्रा चलेगी। सुरजेवाला जी भी साथ होंगे, किरण चौधरी जी भी होंगे, तो हम सबको बुलाएंगे, हुड्डा साहब को भी बुलाएंगे, अध्यक्ष जी को भी बुलाएंगे, हमारे जो प्रभारी हैं उनको भी बुलाएंगे, जितने भी कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, क्योंकि ये पार्लियामेंट के इलेक्शन में राहुल जी का और खड़गे जी का संदेश जन जन तक घर घर पहुँचाने का काम करने के लिए ये यात्रा की जा रही है। पार्लियामेंट का इलेक्शन नज़दीक है, उसकी तैयारी के लिए की जा रही है, तो सब मिलके ही करें। सर, लगातार 2024 के चुनाव को लेकर रणनीति बना रहे हो और खासतौर पर अभी तक संगठन बना नहीं है कांग्रेस का, इसको लेकर कैसे देखते हैं, बगैर संगठन के चुनाव कैसे लड़ेंगे? देखो, संगठन बनना बनाना बड़े नेताओं का काम है, वो जिस दिन बनेगा वो भी सामने आ जाएगा, नहीं बना
तो वो भी उन्हीं की जिम्मेदारी है, बन जाएगा तो भी वो ही बनाएंगे, इसलिए उसमें कोई कंट्रोल। जिस तरह आज आप मीटिंग लेने पहुँचे कार्यकर्ता होंगे, सोनीपत के कोई विधायक है इस मीटिंग में या मुख्य कार्यकर्ता इस मीटिंग में दिखाई नहीं दिया, क्या कारण है? गुटबाजी, वही गुटबाजी सामने आ रही है। नहीं नहीं, विधायक मेरे हिसाब से जो हमारे विधायक हैं वो कल चंडीगढ़ में थे, हो सकता वो पहुँचे ही ना हो। कल चंडीगढ़ लेकिन मेरी मीटिंग थी विधानसभा में, फिर मैं वहाँ मतलब उस टाइम भी दिखाई नहीं दी, रणदीप सुरजेवाला भी दिखाई नहीं दी। क्या मानते हैं कि उड्डा गुट और शैलजा गुट जो है अलग अलग दिखाई देते? नहीं नहीं, ये गुट की बात नहीं है, वो दोनों प्रभारी हैं। सुरजेवाला जी कर्नाटका में थे और शैलजा जी को प्रभारी को पहले ही बता दिया था कि उन्होंने उत्तराखंड की मीटिंग रखी हुई थी। वो असल में पहले मीटिंग रखते समय शायद कोई कोऑर्डिनेशन में, क्योंकि वो दोनों प्रभारी हैं दूसरी स्टेटों के, तो वो तय डेट में कुछ हो रह गया। अदरवाइज कांग्रेस तो देखो एक ही है और कांग्रेस का एक ही लीडर है, उसका नाम है राहुल गांधी। बाकी तो सारे कार्यकर्ता हैं, सारे कार्यकर्ता कभी इकट्ठे हो जाते हैं। उड्डा साहब हरियाणा में आए और ये कहते अलग अलग रैली में इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि ये मेरा आखिरी लड़ाई है और इसमें इनको मतलब प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाएं, इस प्रकार की, क्योंकि पुत्र मोह भी देखा जा रहा है, दीपेंद्र हुड्डा को देखना चाहते हैं। देखो ऐसे है कि उड्डा साहब बड़े नेता हैं, कुछ भी कह सकते हैं। राजनीति में जब भी कोई इलेक्शन के टाइम मीटिंग की जाती है तो सारी बातें कोई बहुत सारे बयान होते हैं, सारे कोई सच्चे ब्याह के सारे गीत सच्चे लग रहे हैं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।